तो क्या हाल चाल मेरी प्यारी प्यारी ऑम्बियंस। तो स्वागत है मित्र मेरे इस प्यारे से और ब्रांडेड से न्यू एक फार्म की वीडियो के अंदर। तो आज अपन बनाने वाले हैं लावा फार्म, जिसका यूज तुम कर सकते हो अपने फ्यूल के लिए या फिर अपने किसी भी चीज के लिए जो भी तुम्हारे यूज में आए। तो चलो फिर ज्यादा फालतू टाइम वेस्ट ना करते हैं, फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सारे बंदे फटाफट से भाई वीडियो को लाइक और चैनल पे नहीं हो तो लगे सब्सक्राइब कर भाई लोग। तो ये वो सारे रिसोर्स है जो अपने काम आने वाले हैं फार्म को बनाने में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके देख सकते हो और सारे सामान कलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे अपने लगने वाले 11 कॉलड्रोन बोले तो 11 करके और एक ब्लॉक हमें छोड़ के। तो तुम लोग दिखा दो किस प्रकार से सबसे पहले एक यहाँ पे जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ठीक है। ये करने के बाद आपको इसके छोड़ के यहाँ पे ठीक है यहाँ से फिर यहाँ से लगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फिर इसको लाइन को छोड़ के यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फिर इस लाइन को छोड़ के यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ठीक है। ये करने में आपको ले लेना है अपना पिस्टन, ऑब्जर्वर, रेडस्टोन और यहाँ पे अपना टेम्परेरी ब्लॉक। सबसे पहले पिस्टन यहाँ पे लगा लेना है ठीक है। इसके बाद आपको लेना है अपना ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इसके जस्ट नीचे यहाँ पे अपने प्लेस कर देना है ठीक है। इसके पीछे जाएगा अपना एक ब्लॉक और इससे कनेक्टेड हुए अपने जगह दो रेड स्टोन कुछ इस प्रकार से ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपके अपोजिट साइड में जाना है और इसका थोड़ा सा जो फेस है उसके दूसरी साइड होगा बोले तो इस साइड को ठीक है। भाई ऐसे लगाने का सबसे मेन मोटिव ये है ब्रो कि जो ये क्लॉक है ना कुछ इस प्रकार से ऐसे करके उधर से करके फिर इधर को मतलब पूरा क्लॉक घूमने वाला है ठीक है। तो फटाफट से बनाए स्टार्ट कर। तो यहाँ पे जाएगा फिर एक ऑब्जर्वर, फिर यहाँ पे नॉर्मल एक ब्लॉक, फिर रेड स्टोन कनेक्ट यहाँ पे नीचे नहीं जाएगा, इसको तोड़ देना ठीक है। फिर इसके जस्ट अपोजिट साइड में चले जाना है, फिर इसका भी फेस कुछ इस प्रकार से। भाई पूरी वीडियो देखो तो ही तुम्हें अच्छे समझ पाएगी वरना तुम भाई कंफ्यूजन में पड़े रहोगे भाई। फिर यहाँ पे एक अपना ऑब्जर्वर, फिर ब्लॉक, फिर रेड स्टोन यहाँ पे, ओके लास्ट स्टोन बाकी है। फटाफट से इसको भी प्लेस करते हैं फिर इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट जाएगा अपना पिस्टन, बहुत ध्यान से लगाना पड़ेगा भाई लोग, एक ब्लॉक छोड़ के दूसरे पे ठीक है। और यहाँ पे जाएगा अपना ऑब्जर्वर, यहाँ पे ब्लॉक, यहाँ पे रेड स्टोन कनेक्टेड, लेट्स गो, ये कंप्लीट है अपना। ओके ये बनाने में आपको जरूरत पड़ेगी अपने टेम्परेरी ब्लॉक की। तो फटाफट से टेम्परेरी ब्लॉक को दो हाइट पे लेके चलते हैं, 1, 2 और तीसरे पे जाएगा अपना स्टोन ब्रिक या फिर तुम कोबल स्टोन कुछ भी लगा सकते हो, बट भाई लकड़ी की छोड़ के यहाँ पे पूरा लावा भरने वाला है। तो पूरा आपने जितने भी कॉल्ड्रन देख रहे हैं आपके इन सब के ऊपर एक एक ब्लॉक लगा देना है बस इससे कनेक्टेड होके ठीक है। तो फटाफट सारे ब्लॉक लगा के मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर भाई लोग। ओके लेट्स गो, अपना लास्ट कंप्लीट हो चुका है फाइनली बॉयज, लेट्स गो। ये होने के बाद आपको लेना अपना टेम्परेरी ब्लॉक और इसके जस्ट दूसरे साइड आपको प्लेस करके इसके ऊपर लगाना अपना ब्लॉक ठीक है। फिर इसके जस्ट बगल में अपने को टेम्परेरी ब्लॉक एक और लगाना है यहाँ पे और फिर यहाँ पे भी जाएगा एक और ब्लॉक, लेट्स गो। अब इन सबको एक दूसरे से पूरा मैच करते हुए बोले तो मैच करते हुए भाई पूरा राउंड मारते हुए इनके साइड साइड से पूरा स्कोप को भर देना है, बोले तो भाई इसमें पूरा एक राउंड मार देना है। तो इसको भी फटाफट से अपन लगा के मिलते 2 मिनट के अंदर भाई लोग, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है क्योंकि तुम देखो एक एक ब्लॉक को लगाते कितना हालत खराब हो जाएगी और एक बीच में एरिया छोटा रहेगा ताकि इसमें अपन लावा डाल सके। ओके अंदर वाले भी फटाफट से लगाते हैं इसका लास्ट बाकी अपना एरिया, ये भी कंप्लीट है लगभग तक, लेट्स गो लेट्स गो भाई लोग। ये भी अपना एरिया कंप्लीट हो चुका है, बस ये साइड का बाकी है भाई, इसको भी फटाफट से लगा दे अपन, लेट्स गो। ये भी कंप्लीट है, लेट्स गो, अपना पूरा एरिया कंप्लीट हो चुका है। अब जब तुम एरिया बनाए होगा देखने को कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा साइड से पूरा और बीच में पूरा लेयर मतलब एक ब्लॉक छुटा हुआ। तो इन सब के अंदर भरना अपने को लावा, लेकिन उससे पहले ले लेना अपना ड्रिपस्टोन और हर एक ब्लॉक पे आपको एक एक ड्रिपस्टोन लगाते जाना फटाफट से पूरा लगाते ड्रिपस्टोन, क्योंकि सारे जितने भी यहाँ पे ब्लॉक्स हैं यहाँ पे सब पे एक एक अपना ड्रिपस्टोन जाने वाला है। तो इन सबको फटाफट से प्लेस करते हैं एंड फिर मिलते 2 मिनट के अंदर भाई लोग। ओके बस अपना लास्ट 2 बाकी रह गया, ये भी कंप्लीट है, ये भी लेट्स गो, पूरा अपना फाइनल हो चुका भाई लोग। ओके तो बारी इन सब के अंदर लावा भरने के, तो फटाफट से लावा लेके आते हैं। तो भाई लोग मैं आ चुका हूँ नीचे यहाँ पे लावा लेने के लिए, अगर तुम लोग को ऊपर लावा पूल मिल जाता भाई तो अच्छी बात है वरना तुम लोग को भाई लावा की नदी में आना पड़ेगा लावा लेने के लिए। तो चलो फिर फटाफट चलते ऊपर और पूरा लावा भर के मिलता है 2 मिनट का भाई लोग। ओके तो अपन लेके आ चुके हैं लावा, फटाफट से एक एक ब्लॉक में प्लेस करते भाई, एक भी ब्लॉक आपका छूटना नहीं चाहिए भाई लोग, हर एक ब्लॉक पे आपको एक एक लावा प्लेस करते जाना भाई लोग, क्योंकि एक भी अगर ब्लॉक छूटा भाई तो शायद तुम्हारा फार्म परफेक्टली वर्क नहीं बट कहीं क्या भाई कोल्ड रून अपना जो है वो भरेगा नहीं लावा से ठीक है। तो एक एक ब्लॉक पे आपको एक प्लेस करना है लावा, तो फटाफट से पूरा भरते हैं एंड मिलते हैं 2 मिनट के अंदर भाई लोग। ओके बस लास्ट अपना 2 बाकी है, तो एक जगह यहाँ पे और दूसरा जाने वाला अपना यहाँ पे ठीक है, लेट्स गो कंप्लीट है। और भाई काफी सारे बंदों के सवाल है भैया कैसे पता करेगा भाई अपना जो लावा है कई की जगह प्लेस नहीं होता तो कैसे दिखेगा भाई, वहाँ पे तुम लोगों को भाई फ्लो जैसा दिखते हुए मिल जाएगा ठीक है। तो वहाँ पे जब भी तुम्हें दिखेगा यहाँ पे फ्लो दिख रहा है तो भाई वहाँ पे तुम एक बकेट लावा डाल देना, फार्म के किसी भी कोने साइड पे चले जाना, वहाँ पे 2x3 का एक एरिया तो खोल लेना, टोटल यहाँ पे 2 ब्लॉक यहाँ पे तोड़ लिया अपने, यहाँ पे जाएगा अपना 3 ब्लॉक, लेट्स गो अपने टूट चुके हैं। ओके ये करने के बाद आपको लगाना यहाँ पे 2 चेस्ट यहाँ पे, फिर से कनेक्टेड एक हॉपर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, लेट्स गो। फिर इसके बाद जरूरत पड़ेगी अपने एक स्लैब की, तो फटाफट से यहाँ पे स्लैब लगाते हैं। फिर इसके बाद जरूरत पड़ेगी अपने कॉम्परेटर और हॉपर सबकी, तो फटाफट से यहाँ पे कॉम्परेटर सबसे पहले प्लेस करते भाई, फिर इधर को करते हुए अपन का
ऐसे, ठीक है। ऐसे प्लेस करने के बाद ओके, ये करने के बाद अपने आप जरूरत पड़ेगी अपने ड्रॉपर की, तो फटाफट से यहाँ पे ड्रॉपर प्लेस करते हैं, ठीक है, लेट्स गो। इसके बाद जरूरत पड़ेगी अपने हॉपर की, तो इसके कनेक्टेड हॉपर लगा लेंगे अपन, फिर क्राउच करके दो चेस्ट लग जाए इसके ऊपर। इसके बाद ले लें अपने रेडस्टोन डस्ट और इसको यहाँ पे प्लेस कर देना, लेट्स गो भाई। अपना पूरा पूरा फार्म बन के कम्प्लीट हो चुका है परफेक्टली। अब भाई तुम्हें जरूरत पड़ेगी अपने वाटर बकेट की, तुम्हारे पास जितना इनफली वाटर बकेट हो सके भाई तुम इसके अंदर जितना हो सके उतना प्लेस कर लेना, तुम्हारे पास जितना हो सके इनफली उतना प्लेस कर लेना, ठीक है। ओके, जो तुम्हारे पास लास्ट कॉल्ड्रन होगा उसको यहाँ पे रखना है और यहाँ पे लीवर लगा के आपको बस इसको ऑन कर देना है, लेट्स गो। ये अपना हो चुका है। ओके, पता नहीं ये काम क्यों नहीं किया, इसको काम करना चाहिए दवाई। ओके ओके गाइस, माय फॉल्ट, इसको ऑन करके ऑफ करना था भाई। लोग देखो यहाँ पे ऑलरेडी कॉल्ड्रन लगा है, इसको ऑन करके फटाफट से ऑफ कर देना है, ठीक है। देखो भाई अपना काम करना स्टार्ट हो चुका है अपना फार्म, इसको तोड़ लेना फिर बस, अब ये ऑटोमेटिक चलते रहेगा लगातार भाई। लोग याद रखना ऑन करके ऑफ कर देना इसको लगातार तुरंत भाई। भाई तुम्हें रिकमेंड करूंगा तुम अपने इन्वेंट्री को पूरा फुल रखना, अगर नहीं चाहते तो भाई अपने तुम्हारी जो इन्वेंट्री उसमें पूरा पूरा तुम्हारा लावा बकेट वो भरते जाएगा। तो अगर तुम लोग ऐसा नहीं चाहते हो तो तुम लोग ऐसे टेम्परेरी ब्लॉक या फिर कुछ भी जो तुम्हारे पास हो पूरे पूरे तुम्हारे इन्वेंट्री में भर लेना है, ठीक है। ओके, जो अपना एक एरिया बचा हुआ इसमें अपन दो बकेट ले लेंगे फटाफट से, चेस्ट लेते हैं दोनों बकेट, लेट्स गो। अब पास आपको यहाँ पे बैठ के, मतलब बैठ के नहीं भाई, खड़े होकर करना भाई, क्राउच मत करना, क्योंकि अगर क्राउच करोगे भाई तुम्हारा जो लावा वो कलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बैठना मत, इसे खड़े खड़े तुम्हें बस ज्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पे क्लिक करते जाना है। नॉर्मली तुम क्लिक करते जाओ, तुम्हारा जो जितना भी लावा है पूरा पूरा तुम्हारे चेस्ट के अंदर भरते रहेगा, बस तुम्हें लावा कलेक्ट होते करना भाई, ठीक है। कॉल्ड्रन का पूरा लावा खत्म हो चुका है, फटाफट से भाई चेस्ट में देखते हैं। ओ भाई लिटली ब्रो, यहाँ पे तीन से मतलब पूरा तीन भाई पूरा लेयर भर चुका है, तीसरा चौथा लेयर भी लगभग भरने ही वाला भाई लोग। तो भाई लोग आज की आपको वीडियो कैसे लगी, ये लावा फार्म वाली वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में बताना। वीडियो से लगी वीडियो लाइक, चैनल पर न्यू हो या सब्सक्राइब भाई लोग, एंड तुम लोग कमेंट में बताना भाई तुम लोग ये फार्म वर्क किया कि नहीं किया, और या तुम लोग अगर कुछ भी अगर कोई इशू हो तो भाई बता देना, और या तुम लोग सब्सक्राइबर वाली बोले तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के रखना भाई, ठीक है। और चलो फिर टाटा, गुड बाय, गुड डे, और हाँ तुम लोग थम्बा देखा जो जाना।